और सेटअप देख लेते हैं किस तरह से मेंटेन किया गया सेटअप। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रिक बोर्ड लगा हुआ है और ये इधर एक्सपेलर लगा हुआ, ये नोजल कंप्यूटराइज। यहाँ पर फीडिंग कर देते कि 1 लीटर की पैकिंग की जाएगी या 2 लीटर की। या फिर रखा हुआ सिरका, भैया ने अभी बताया ये रखा हुआ सिरका सेल के लिए। भैया फिर से स्वागत है एक और नई धमाकेदार वीडियो में। आप लोग आ चुके हैं केपी एंटरप्राइजेस सरसों के तेल के प्लांट पर। यहाँ पर लगा हुआ गाजियाबाद वाला मस्टर्ड ऑयल एक्सपेलर। तो ये हमारे भाई साहब त्यागी जी का प्लांट स्थित है गांव रावली कला में, बिल्कुल मेन रोड पर। और आप देख सकते हैं यहाँ पर लगा हुआ अमर एक्सपेलर, गाजियाबाद वाला एक्सपेलर है ये, गाजियाबाद वाला एक्सपेलर है, बहुत ही अच्छा एक्सपेलर है। तो एक्सपेलर अभी बंद है, कह रहे हैं भैया कि आज का काम हो चुका ख़त्म। देख सकते हैं आप यहाँ पर निकली रखी सरसों। और हमारे भाई साहब लेते हैं ऑर्डर, सप्लाई करते हैं बाहर, माल निकाल के बाहर सप्लाई करते हैं। छोटे ऑर्डर से लेकर बड़े ऑर्डर तक लिए जाते हैं यहाँ पे। 1 किलो से लेकर 10,000 किलो तक सरसों का तेल उपलब्ध कराया जाता है किसी भी टाइम। तो कोई भी भाई अगर तेल लेना चाहता हो या सरसों लेना चाहता हो तो उनका स्वागत है। कमेंट करें दबा के वीडियो में और उनको त्यागी जी का नंबर दे दिया जाएगा, या विजिट भी आप कर सकते हैं किसी को तेल लेना हो तो। गांव रावली कला मुरादनगर से जस्ट 9 किलोमीटर पड़ता है ये प्लांट, मेन रोड पे स्थित है रावली रोड पे। यहाँ पे विजिट करें और तेल ले जाएं। देख सकते हैं आप भाई साहब ने पीली सरसों डाल रखी है, इसको निकाल कर निकालते हैं तेल। और ये पीली खली इसी सरसों से बनी हुई, तेल को सप्लाई कर देते हैं और खल को भी बेच देते हैं। तो कोई भी भाई अगर खल भी लेना चाहते हैं तो उनका भी स्वागत है। तो एक बार सेटअप देख लेते हैं किस तरह से मेंटेन किया गया सेटअप। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रिक बोर्ड लगा हुआ है और ये इधर एक्सपेलर लगा हुआ। आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर से फिल्टर सिस्टम की लाइन बिछी हुई है, ये पंपिंग सेट है। यहाँ से पाइपलाइन में को होते हुए तेल यहाँ पर पहले इस कंटेनर में आता है और फिर इधर से आगे बढ़ते हुए पाइपलाइन में होते हुए यहाँ पर आ जाता है इस फिल्टर सिस्टम में। और यहाँ पर ऑयल को किया जाता है फिल्टर, देख सकते हैं आप। ये यहाँ पर नोजल लगे हुए हैं और यहाँ से फिल्टर होते हुए इधर आ जाता है कंटेनर में। 3 कंटेनर यहाँ पर रखे हुए, और ये जो आप इधर देख पा रहे हैं ये रखी हुई है पैकिंग मशीन, कंप्यूटराइज पैकिंग मशीन है ये। तो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं किस तरह से पैकिंग की जाती है। ये इस पाइप में को कंटेनर में से होता हुआ इसमें आता है ऑयल, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नोजल कंप्यूटराइज। यहाँ पर फीडिंग कर देते कि 1 लीटर की पैकिंग की जाएगी या 2 लीटर की या 5 लीटर की। और बस फीडिंग करने के बाद यहाँ पर रखते रहते हैं अपने कंटेनर, खाली कंटेनर आप देख सकते हैं उधर रखे हुए, 1 लीटर 2 लीटर 5 लीटर और 20 लीटर की टीन भी। तो उसको यहाँ पर पुटअप कर देते हैं और ये नोजल जैसी फीडिंग की गई उसी हिसाब से कंटेनर को भरता रहता है एग्जैक्ट। ये बड़ी अच्छी बात कही है आपने। और उसके बाद फिर देख सकते हैं आप इधर रखी हुई है सील्ड मशीन, सील लगाने के लिए। फिर उस भरे हुए कंटेनर को वहाँ से यहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाता है इधर, और उसको इससे सील पैक कर दिया जाता है। अभी आपको मैं उधर दिखाता हूँ, सील्ड पैक रखे हुए हैं, चलिए देखते हैं। और यहाँ पर ये वेटिंग मशीन भी रखी हुई है, इसको जैसा कि अभी बताया कि यहाँ पर कंप्यूटराइज फीडिंग की जाती है, तो उसको रीचेक करने के लिए, कन्फर्म करने के लिए यहाँ से पैक करके इस पर रख लेते हैं और यहाँ पर रीचेक कर लिया जाता है कि भाई मशीन ने पूरा एग्जैक्ट भरा है नहीं। तो यहाँ से इस पर वेट करके कन्फर्म हो जाता है ये। चलिए देखते हैं पैकिंग देख लेते हैं। इधर ये रखा हुआ है काली सरसों का ही है ना, ये तो काली सरसों का 1 लीटर की पैकिंग, और ये नीचे काली सरसों का 1 लीटर पैकिंग। ये आधा लीटर पीली सरसों है ना, ये आधा लीटर देख सकते हैं आप पीली सरसों का तेल, और ये 2 लीटर पीली सरसों का तेल, और ये इधर है 5 लीटर पीली सरसों का तेल। और ये रखे हुए हैं टीन के साइज में, 20 लीटर हो गए ना, मैं तो 20 है, थोड़ा कम है 15, अच्छा हाँ सॉरी 15 लीटर के हैं टीन, ये 15 लीटर आता है टीन में, ये 15 लीटर के टीन रखे हुए हैं। तो रेट क्या चल रहा होगा अभी, रेट की बात करें, 1 लीटर काली सरसों का तेल क्या रेट चल रहा है अभी, 140 लीटर या किलो, लीटर 140 रुपये लीटर है काली सरसों का तेल, और पीला है भैया बता रहे 170 रुपये लीटर।
पीला 170 रुपये लीटर। और टीन की अगर बात करें तो टीन 15 लीटर कितने का होगा? अच्छा काली का भैया बता रहे हैं 2100 रुपये का, और पीली सरसों का बता रहे हैं 2500 रुपये का, 2500 रुपये का पीली सरसों का और काली का 2100 रुपये का। तो कोई भी भाई अगर इंटरेस्टेड है तेल लेने में तो तुरंत कमेंट करें, उन्हें नंबर दे दिया जाएगा, या विजिट कर सकते हैं फिजिकली और आके ले जा सकते हैं यहाँ पे त्यागी जी के प्लांट पे, केपी एंटरप्राइजेज जो कि है रावली रोड पर, पेट्रोल पंप के से जस्ट मिला हुआ बिल्कुल। तो भैया वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा ज़्यादा कमेंट करो। ये क्या रखा हुआ यहाँ पे? अच्छा ये सिरका रखा हुआ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर तो ऑयल रखा हुआ और यहाँ पे रखी हुई है एक और नया प्रोडक्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रखा हुआ सिरका, भैया ने अभी बताया ये रखा हुआ सिरका सेल के लिए, और इसको भैया बता रहे हैं 70 रुपये लीटर ना, 70 रुपये लीटर है। और ये 1 लीटर की पैकिंग साइज आप देख सकते हैं, ये वो सिरका है जो घरों में हम यूज करते हैं, वही है ना, सब्जी में डालते हैं या मूली के चंदों में डालते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर किसी भाई को सिरके की भी रिक्वायरमेंट है, घर पर अवेलेबल नहीं है और आपको लेना है तो यहाँ पर आ सकते हैं आप केपी एंटरप्राइजेज। यहाँ पर सिरका भी फॉर सेल के लिए अवेलेबल है बिक्री के लिए, 2 लीटर की पैकिंग और 1 लीटर की पैकिंग। ये स्पेशल एडिशन है इस वीडियो का आज का, देख सकते हैं आप, ऑयल भी लीजिए यहीं पे और सिरका भी यहीं पे लीजिए, कुछ भी और खली तो है यहीं पे। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी एक बार राउंडिंग व्यू देख लो प्लांट का, मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।